गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने टॉपिक देखा था समाकलित द्विघात समीकरण स्टार्ट किया था अपन ने, और थोड़ा सा पहले जीरो कोटि और प्रथम कोटि की बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे। तो आज अपन वापस से कल का टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल का टॉपिक अपन ने देखा था यहाँ पे जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए अपना टॉपिक चल रहा था समाकलित द्विघात समीकरण। अपन बात कर रहे हैं जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित द्विघात समीकरण। अपन को पता होना चाहिए अपने सिलेबस में केवल जीरो कोटि और प्रथम कोटि दोनों ही टॉपिक दे रखे। तो जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे समाकलित द्विघात समीकरण। और समाकलित द्विघात समीकरण की बात करें तो कल थोड़ा सा टॉपिक तो अपन ने देखा था, अपन ने क्या लिया था वहां पे अभिक्रिया ले ली थी, अपन ने क्या बोल दिया था आर से पी के लिए। सबको पता है आर का मतलब क्या होता है अभिकारक, पी का मतलब क्या होता है उत्पाद। इसके लिए अपन ने कल देखा था, अगर कल कुछ याद आ रहा है आपको कल का, तो अपन ने देखा था वहां पे कि रेट इक्वल टू अभिकारक के सेंस में अपन ने कल लिखा था माइनस डी आर अपॉन डी टी। अभिकारक के सेंस में क्या लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, और उत्पाद के सेंस में बात करें तो माइनस की जगह क्या ले सकते हैं प्लस प्लस डी पी अपॉन डी टी। समानुपाती अपन ने लिया था आर, आर की पावर क्या ले लिया था अपन ने जीरो, क्योंकि अगर जीरो कोटि अभिक्रिया होती है तो पावर में क्या है जीरो, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी तो पावर में क्या जाएगा वन आ जाएगा। तो ये अपन को पता होना चाहिए। इसी को अगर आगे कंटिन्यू करना चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं वापस से डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पे स्थिरांक। के को अपन क्या बोल देते हैं, अब तक पढ़ ही रहे अपन के मतलब क्या होता है वेग स्थिरांक। इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे वेग स्थिरांक की बात कर रहे हैं, तो अपन ने क्या ले लिया के आर की पावर क्या ले लिया अपन ने जीरो। ले सकते हैं अपन यहाँ पे चाहे समीकरण चाहे अपन इसको क्या बोल सकते हैं एक बोल सकते हैं, चाहो तो आप इसको भी अवकलित द्विघात समीकरण बोल सकते हो, या फिर अपन आगे लिखेंगे उसको भी क्या बोल सकते हैं अवकलित द्विघात समीकरण। तो ध्यान से समझना, मैंने क्या लिया है यहाँ पे माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या ले लिया है यहाँ पे के। किसी भी संख्या के ऊपर पावर जीरो होती है तो मान क्या हो जाता है वन हो जाता है, तो आर की पावर जीरो है तो मान क्या हो गया एक। चाहो तो आप लिखो या नहीं लिखो चलेगा माइनस डी आर अपॉन डी टी। अब जो अपन ने लिया यहाँ पे माइनस डी आर अपॉन डी टी, इसको क्या बोल दिया अपन ने समीकरण दो। आपकी इच्छा हो तो समीकरण एक को बोलो, आपकी इच्छा हो तो समीकरण दो को बोलो। अपन ने क्या बोल दिया अवकलित वेग समीकरण, आपकी इच्छा हो तो समीकरण एक लिख दो और आपकी इच्छा हो तो समीकरण दो लिख दो। दोनों का मतलब ही क्या होता है अवकलित वेग समीकरण होता है, क्योंकि आर की पावर जीरो मान क्या होता है वन ही होता है। यहाँ पे मैंने आर की पावर जीरो को हटा दिया, आपकी इच्छा हो तो ये लिख दो और आपकी इच्छा हो तो ये लिख दो। दोनों ही क्या होते हैं अवकलित वेग समीकरण। अब जनरली बात करें ये तो पता चल गया कि अवकलित वेग समीकरण अगर आपसे पूछे कि जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण लिखो तो आपके माइंड में होना चाहिए समीकरण एक या समीकरण दो, जो भी आप लिखना चाहो, दोनों ही क्या होते हैं अवकलित वेग समीकरण। अब जनरली अपना टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण क्या होता है वो अपन को देखना है। तो अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, तो अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं कैसे समाकलन निकाल सकते हैं तो अपन को पता होना चाहिए, ध्यान से समझना। मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, मैंने लिया माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया के। इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या लिख सकता हूँ माइनस डी आर इक्वल टू क्या ले लिया के डी टी। ये डी टी जो नीचे की तरफ था इस डी टी को किधर ले गया, के की तरफ ले गया, क्या हो गया माइनस डी आर इक्वल टू क्या हो गया के डी टी। लिख सकते हैं कल की क्लास में अपन इतना देखा था, उसी क्लास से अपन आगे बढ़ रहे हैं वापस से यहाँ पे। तो माइनस डी आर इक्वल टू क्या हो गया डी टी, डिवाइड में दे रखा था तो कहाँ पे ले गया के की तरफ ले गया, तो अपन क्या बोल दिया के डी टी। इसके बाद में बात करना चाहे तो अपन इसको आगे और बढ़ाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं डी आर इक्वल टू, ये माइनस का साइन इधर 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 भी लग सकते हैं दोनों तरफ में से जो आपकी इच्छा हो, तो इस माइनस के डी टी को मैं क्या ले गया यहाँ पे इधर ले गया। आपकी इच्छा हो तो इधर रखो, आपकी इच्छा हो तो इधर हो, एक तरफ क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो डी आर इक्वल टू क्या ले लिया मैंने यहाँ पे माइनस के डी टी। ठीक है, अब जो समीकरण बना अपना यहाँ पे डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, इसको समीकरण को क्या बोल दिया मैंने समीकरण तीन। आपकी एक दो तीन जो भी आप डिनोट करें आपकी इच्छा हो वैसे आप रिप्रेजेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सिर्फ बात करूं यहाँ पे समीकरण तीन जो था ना उस तीन का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ध्यान से समझना, मैंने कर दिया समाकलन
करने पर, जिसको जीरो कोटि वाला जो अपन पावर देख रहे हैं वो समझ में आ गया तो प्रथम कोटि में दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज होगी। और यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीरो कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण से, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, अवकलीय समाकलित भी पूछा जाता है। अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे, अर्धायु काल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो सब चीजें अपन देखेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। तो अपने क्या लिए ध्यान से समझना, dr इक्वल टू माइनस kdt था, इसका मैंने क्या कर दिया, समीकरण तीन का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अब ध्यान से समझना समाकलन का मतलब क्या होता है। अब तक तो जो देख रहे थे वो क्या थे, अवकलन, अवकलित वेग समीकरण थे, क्या थे, अवकलित वेग समीकरण। अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण की, तो जब भी समाकलन करते हैं, ध्यान से समझ लेना, जब भी अवकलित वेग समीकरण का अपन समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जनरली बात करें तो जो डी दे रखा है, ध्यान से समझ लेना, सबके माइनस एक होना चाहिए, ये जो डी दे रखा है ना, यहाँ पे अपन डी लिख रहे हैं, ये डी का मतलब होता है अवकलन, क्या होता है, अवकलन। और जब इसका अपन समाकलन कर देंगे तो समाकलन करने पर यह डी वाला पार्ट क्या हो जाता है, हट जाता है। अवकलन का मतलब होता है यहाँ पे दे रखे हैं डी, और जब भी समाकलन करेंगे तो ये डी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी की बात करें अपन यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, जब इसका समाकलन कर दिया अपन ने, ध्यान से समझ लो, ये तो हो गए थे अवकलित वेग समीकरण, ये जो बना इसका मैंने क्या कर दिया, समाकलन। तो डी आर का जब भी अपन समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा, और डी हटने के बाद में क्या रह जाएगा, यहाँ पे आर रह जाएगा। जब भी समीकरण तीन का अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे समाकलन किया, और डी आर का क्या रह गया, यहाँ पे आर, माइनस के डी टी था, इसका भी अपन ने क्या किया, समाकलन। तो ये वाला डी जो बीच में आ रहा था वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि अवकलन का अपन जो समाकलन कर रहे हैं तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे माइनस के डी, यहाँ से भी क्या हो गया, डी हट गया, यहाँ से भी क्या हो गया, डी, क्योंकि डी का मतलब होता है अवकलन। और जब अपन ने समाकलन कर दिया, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये डी वाला पार्ट हट गया। लेकिन जब भी अपन अवकलन वाले पार्ट को हटाकर समाकलन करते हैं तो डी हट गया, यहाँ पे भी डी हट गया, लेकिन साथ में क्या आ जाता है, एक स्थिरांक आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, के टी प्लस सी, और समीकरण को क्या बोल दिया, समीकरण चार। आर तो क्या, कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा, डी आर का क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा, माइनस के डी टी का क्या रह जाएगा, के टी रह जाएगा। सिंपल सी बात है, मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होता है कि मैं अगर यहाँ पे डी एक्स का समाकलन कर दूं तो डी हट के रह जाएगा एक्स, डी एक्स की जगह डी वाई है तो इसका समाकलन कर दूं तो क्या रह जाएगा, वाई रह जाएगा, डी हट जाएगा। जनरली तो जनरली पता होना चाहिए डी आर का क्या रहेगा, यहाँ पे सबको पता होना चाहिए डी आर का क्या रह जाएगा, यहाँ पे आर, माइनस के डी टी में भी डी हट के क्या रह जाएगा, माइनस के टी, प्लस अपन ने क्या लिखा, जब भी समाकलन करते हैं तो साथ में क्या आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है, तो अपन ने क्या ले लिया, सी। और सी को अपन जनरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो भी पता होना चाहिए, सी का मतलब हो गया समाकलन स्थिरांक, क्या बोल दिया अपन ने, सी का मतलब क्या बोल दिया, समाकलन स्थिरांक, ये भी पता होना चाहिए सी का। अब यहाँ पे आर भी अपन को पता है, के टी भी अपन को पता है, सी क्या है, यहाँ पे समाकलन स्थिरांक बोल दिया, लेकिन इसका मान कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से एक बार थोड़ी सी चीज समझना, सबको पता है टी समय, टी का मतलब क्या होता है, समय, टी का मतलब अपन ने क्या ले लिया, वेग स्थिरांक, जो अपन पहले से बोलते आए हैं। आर का मतलब क्या होता है, सांद्रता होती है, लेकिन किस पे, टी समय पे सांद्रता होती है, क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे टी, तो आर का मतलब क्या होता है, टी समय पे सांद्रता, ये भी पता होना चाहिए। और प्लस सी, सी का मतलब क्या बोल दिया अपन ने, समाकलन स्थिरांक। अब समाकलन स्थिरांक की बात करें तो मुझे सबसे पहले किसका मान निकालना है, इस सी का मान ही निकालना है, कि सी का मान यहाँ पे क्या होगा, सी मतलब समाकलन स्थिरांक बोल रहा हूँ, और यहाँ पे समाकलन स्थिरांक का मान क्या होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना, जो चीज दे रखी है यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मुझे सी का मान निकालना तो है, लेकिन सी का मान निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान से समझना, टी इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, जीरो सेकेंड, क्या ले लिया, टी इक्वल टू जीरो सेकेंड लिया, और मैंने बोल दिया टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे जो आर है, आर को अपन क्या बोल रहे थे अब तक, टी समय पे सांद्रता बोल रहे, लेकिन जब टी इक्वल टू जीरो सेकेंड हो तो अभिक्रिया स्टार्ट होगी क्या, जीरो सेकेंड है तो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, और जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो आर का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आर जीरो के बराबर होता है। मैंने लिखा टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे आर इक्वल टू क्या हो गया, आर जीरो, इसका मतलब यह है कि अगर जीरो सेकेंड है तो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, तो जो आर होगा ना, आर का मतलब अपन बोले टी समय पे सांद्रता, ये वो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर जीरो, जीरो का मतलब वही अपन बोल सकते हैं जीरो समय पे सांद्रता, या फिर प्रारंभिक सांद्रता भी अपन बोल सकते हैं। ये चीज ध्यान से समझ लेना, ये आनी चाहिए, क्योंकि आगे भी मैं बोलूंगा अगर टी इक्वल टू जीरो सेकेंड ले लो तो अभिक्रिया स्टार्ट
नहीं होगी। और जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो जो पूरी की पूरी सांद्रता जो आर थी ना वो किसके बराबर हो जाएगी, आर जीरो के बराबर। आर जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो समय पे सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता। इसका जीरो समय पे सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता दोनों चीजों में पता होना चाहिए। आर का मतलब तो होता है टी समय पे सांद्रता और आर जीरो का मतलब होता है जीरो समय पर। जैसे कोई अभिक्रिया 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो जब जीरो अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो वो तो क्या होता है आर जीरो। और जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो आर का मतलब टी मतलब 2 मिनट हो गए तो 2 मिनट पे क्या सांद्रता होगी, 3 पे क्या होगी, 5 पे क्या होगी, तो वो क्या होता है आर होता है। आर जीरो मतलब प्रारंभिक सांद्रता और आर का मतलब होता है टी समय पर सांद्रता। तो टी इक्वल टू जीरो सेकंड पे बात करूं तो आर किसके बराबर हो गया, यहाँ पे आर जीरो के बराबर हो गया। इसी को अपन जो मान लिखा उसी को अपन क्या मान लिया, समीकरण 5 मान लिया। एक तरह से देखा जाए टी इक्वल टू जीरो सेकंड पे आर बराबर क्या होता है आर जीरो, उसको क्या मान लिया अपन ने समीकरण 5। ध्यान से समझना मैंने क्या ले लिया यहाँ पे समीकरण 4 व 5 से, किससे 4 व 5 से, क्योंकि मुझे यहाँ पे सी का मान निकालना है कि सी का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझना समीकरण 4 और 5 से बात करें अपन, यहाँ पे आर पता है मैंने, स्केटी प्लस सी पता है, तो मैंने क्या किया 4 और 5 की बात कर रहा हूँ। टी तो कितना ले लिया यहाँ पे 0 सेकंड और आर को किसके बराबर ले लिया, आर जीरो के बराबर ले लिया। तो आर की जगह तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे आर जीरो। 4 और 5 की बात करो तो आर की जगह तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे आर जीरो। माइनस के मैंने क्या रखा है यहाँ पे सेम वैसे वैसे जो था। टी का मान कितना रखो यहाँ पे, तो टी का मान कितना दे रखा है समीकरण 5 में 0, तो मैंने यहाँ पे टी का मान कितना रख दिया 0 प्लस क्या ले लिया अपन ने सी, क्योंकि मुझे किसका मान निकालना है सी का मान निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ ये वाला मान तो क्या हो जाएगा 0 के इंटू 0 बचा क्या सी और इधर क्या बचा आर जीरो। तो सी बराबर मान किसके बराबर आ गया आर जीरो के बराबर आ गया। तो इसको समीकरण क्या बोल दिया मैंने 6 बोल दिया। क्या बोल दिया समीकरण 6। मुझे यहाँ पे सी का मान मतलब समाकलन स्थिरांक का मान निकालना था तो मैंने 0 सेकंड करके टी इक्वल टू क्या लिया 0 सेकंड। तो आर किसके बराबर हो गया आर जीरो के बराबर हो गया। तो ये आर जीरो मान रखा आर की जगह, दिख रहा है समीकरण 4 और 5 में आर की जगह तो क्या रखा आर जीरो, ये रखा वैसे वैसे टी का मान कितना रख दिया अपने 0 और प्लस सी वैसे वैसे रखा तो ये मान तो क्या हो गया अपना 0। तो सी बराबर क्या आ गया आर जीरो। तो अपना मान क्या हो गया सी का मान अपन को पता चल गया। अब जो सी का मान अपन को पता चला वो किसमें रख देंगे अपन 4 में, इसमें 4 में। अब थोड़ा सा ये भी चीज पता होनी चाहिए मुझे, यहाँ पे बाद में बोलता लेकिन पहले ही बोल देता हूँ। जैसे ही अपन ने समीकरण 3 का समाकलन किया, इसका 3 का समाकलन किया तो जो समीकरण 4 बना ना यहाँ पे जो 4 बना इसी को अपन क्या बोल देते हैं समाकलित वेग समीकरण। क्या बोल देते हैं समाकलित वेग समीकरण। 1 और 2 को तो अपन क्या बोल रहे थे अवकलित वेग समीकरण, और जो चौथा समीकरण आया समाकलन करने के बाद जो समीकरण आया उसको अपन क्या बोल देते हैं समाकलित वेग समीकरण। या तो अपन इसको बोलेंगे या फिर समाकलित वेग समीकरण किसको बोलेंगे, ध्यान से समझ लेना। मैंने क्या किया जैसे ही सी का मान क्या आ गया यहाँ पे आर जीरो और ये वाला मान मैं कहाँ पे रख दूंगा समीकरण 4 में, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे समीकरण 4 व 6 से, किससे समीकरण 4 व 6 से। तो अपन जनरली अगर बात करें तो 4 और 6 से बात करें तो सी का मान कितना आ गया आर जीरो, तो यहाँ पे मान क्या रखूंगा सी की जगह में आर जीरो। तो मान क्या हो जाएगा आर वैसे का वैसे माइनस के टी वैसे का वैसे और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने आर जीरो। समीकरण क्या हो गया यहाँ पे 7। अब मैं बोल रहा था कि समाकलित वेग समीकरण लिखो तो आपको दोनों आंसर पता होने चाहिए। कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है तो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। मान अपन ने क्या किया एक तरह से ये रखा कि सी की जगह अपन ने मान के रख दिया यहाँ पे आर जीरो रखा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में समाकलित वेग समीकरण पूछा जाता है तो आपको समीकरण 7 वाला लिखना है, ये वाला मोर करेक्ट है ये पता होना चाहिए। पर अगर आपको कॉम्पिटिशन में बोले ये दे दे तो ये मानना है ये दे दे तो ये मानना है, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। केवल और केवल मैंने क्या किया सी की जगह मान कैलकुलेट करके क्या रख दिया यहाँ पे आर जीरो रख दिया। समीकरण क्या होता है तो बोर्ड एग्जाम में क्या बताओगे ये अपना क्या हो गया यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण। मोर करेक्ट अपन को माना है समीकरण 7 वाला, तो मोर करेक्ट क्या हो गया अपना यहाँ पे समीकरण 7 वाला समाकलित वेग समीकरण। चाहो तो ये भी बता सकते हो लेकिन अपन को हमेशा किसको याद रखना है, अब जो मैं जब भी पूछूं कि अवकलित वेग समीकरण क्या होता है तो ये बात, पर अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप ये वाला याद कर लेना समीकरण 1 वाला। अगर प्रथम कोटि के लिए पूछा तो 1 आ जाता, द्वितीय कोटि के लिए पूछा तो 2 आ जाता, तृतीय कोटि के लिए पूछा तो यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाती है, बाकी सब चीजें क्या जाएगी सेम।
समाकलित वेग समीकरण की बात करो तो आपको डायरेक्टली याद रखना कि r इक्वल टू क्या होता है माइनस के टी प्लस क्या होता है r जीरो होता है। और अगर मैं बात करूँ सी की जगह मैंने मान कैलकुलेट करके क्या रखे हैं r जीरो। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी r का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे t समय पे सांद्रता। क्या t समय पे सांद्रता, k का मतलब क्या होता है वेग स्थिरांक, t का मतलब क्या हो गया समय, और r जीरो का मतलब क्या होता है जीरो समय पे सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता। याद होना चाहिए r का मतलब होता है t समय पे सांद्रता और r जीरो का मतलब होता है जीरो समय पे सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता। तो दोनों चीजें अपन को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये अपना क्या हो गया समाकलित वेग समीकरण। इसको भी अगर आगे बढ़ाना चाहो तो ध्यान से समझना, वो भी पता होना चाहिए। माइनस के टी इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस के टी, माइनस के टी इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस के टी, और ये आर उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, उधर क्या बचा है यहाँ पे आर जीरो, और ये आर उधर गया तो क्या बच गया। हाँ चाहो तो के का मान अगर निकालना चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं आर जीरो माइनस आर अपन क्या हो गया समीकरण। अब समाकलित वेग समीकरण की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कॉम्पिटिशन में अगर पूछ ले कि समाकलित वेग समीकरण कौन सा है तो मोर करेक्ट तो अपन सबसे ज्यादा यही मानेंगे और यही याद रखना है सबको, इसी से अपन ये बनाए। तो चाहो तो इसको भी अपन क्या बोल देते हैं समाकलित वेग समीकरण। आपकी इच्छा हो तो ये याद रखो या आपकी इच्छा हो तो ये क्योंकि इसी से अपन ने क्या बनाया है। ये भी पता होना चाहिए कि अपन ये कैसे लेके आए, तो ये कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया ये भी समाकलित वेग समीकरण, लेकिन मोर करेक्ट अपन को कौन सा मानना है ये वाला और ये वाला बन जाएगा। मतलब जो आपको अगर मैं पूछूं कि समाकलित वेग समीकरण क्या होती है तो आपके माइंड में समीकरण 7 या समीकरण 8 होना चाहिए। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया या नहीं आया एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करो। यहाँ तक का अगर आ गया हो तो अपन आगे बढ़े जल्दी। थोड़ा सा अलग पार्ट था क्योंकि समाकलन अवकलन से रिलेटेड था लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, एक दो जगह आएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो सभी का मैसेज आ रहा है कि समझ में आ गया सबको जहां तक है। तो समीकरण 7 और 8 क्या हो गया समाकलित वेग समीकरण, समीकरण 1 या 2 अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया अवकलित वेग समीकरण। ये पता होना चाहिए क्योंकि कई बार अवकलित और समाकलित वेग समीकरण पूछे जाते हैं। शिवानी का मैसेज आ रहा है सर एक बार और समझा दो। अगर मैं जनरली बात करूं यहां तक का तो अपन ने कल देखा ही था जो देखा था। अब dr इक्वल टू क्या ले लिया माइनस के dt, इसका अगर अपन ने समाकलन किया तो dr का तो क्या रह जाएगा 8 d हट जाएगा, माइनस के dt में भी क्या हो जाएगा d हट जाएगा तो क्या रह जाएगा माइनस के dt। और जब भी समाकलन करते हैं तो साथ में स्थिरांक आता है तो अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे c ले लिया। अब c को अपन ने क्या बोल दिया समाकलन स्थिरांक। अब c का मान मुझे पता नहीं था, ये मान अपन ने निकाल के यहाँ पे क्या रखा है आर जीरो रखा है, लेकिन कैसे रखा अपन ने तो अपन ने क्या ले लिया t इक्वल टू 0 सेकंड, और 0 सेकंड पे r का मान किसके बराबर होता है आर जीरो के बराबर होता है, मतलब 0 सेकंड पे अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है। तो जो आर जीरो होता है प्रारंभिक सांद्रता पूरा का पूरा क्या होता है आर जीरो होता है। अब 4 और 5 से देखा तो अपन ने क्या लिखा यहाँ पे r की जगह पे क्या रख दिया आर जीरो, माइनस के टी तो माइनस के इंटू क्या रख दिया जीरो, तो जीरो सेकंड ले रहे थे अपन, और प्लस सी। अब सी का मान ये तो मान क्या हो गया जीरो, तो सी बराबर क्या आ गया यहाँ पे आर जीरो, और ये वाला मान अपन ने किसमें रख दिया समीकरण 4 में रख दिया। अपना क्वेश्चन क्या आ गई यहाँ पे ये वाली समीकरण 7 को ही अपन क्या बोल रहे हैं समाकलित वेग समीकरण, या 8 को बोलो एक ही बात है लेकिन 7 के साथ साथ समीकरण 4 भी पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया तो प्रथम कोटि में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी सी चीज चेंज करेंगे बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी सेम। तो ये वाली चीज को देख लेते हैं अपन, अवकलित क्या होता है और समाकलित क्या होता है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी जहां तक है। वापस से मान बता देता हूँ, आर का मतलब क्या होता है टी समय पे सांद्रता, के का मतलब क्या होता है वेग स्थिरांक, टी का मतलब क्या होता है समय, और आर जीरो का मतलब होता है जीरो समय पे सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता, तो ये पता होना चाहिए। यहीं से रिलेटेड में एक चीज और देख रहा हूं और ये याद होना चाहिए क्योंकि अगर ये याद होगा तो प्रथम कोटि को समझना आसान होगा। अब समीकरण 7 के बेसिस की बात कर रहा हूं यहाँ पर, समाकलित वेग समीकरण को समझ में आएगा। समीकरण 7 सबको दिख रहा होगा, मैंने ले लिया r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। अपन समीकरण 7 की बात कर रहे हैं क्योंकि समाकलित वेग समीकरण के आधार पे क्या पूछा जाता है ग्राफ पूछा जाता है कि ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्राफ जो पूछा जाता है जनरली पता होना चाहिए सबको, यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया यहाँ पे r और x एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया यहाँ पे t, y पे तो क्या ले लिया मैंने r,
और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने टी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ यहाँ पे तो ग्राफ वाला पोर्शन अपन ने देखा था, और मैं पूछूं यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा तीन तरह के ग्राफ अपन ने प्लॉट किए थे, तो आपके अकॉर्डिंग चैट बॉक्स में मैसेज करना मुझे यहाँ पे कि तीनों में से कौन सा ग्राफ प्लॉट होगा, पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा, या तीनों ही नहीं होंगे कोई दूर और कोई और कोई ग्राफ प्लॉट होगा यहाँ पे, वो भी पता होना चाहिए। बोलो पहला दूसरा तीसरा या कोई अदर ग्राफ प्लॉट होगा। ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं आर और टी के बीच में, हाँ कुछ स्टूडेंट के तो आंसर आए कि ग्राफ होगा नंबर थर्ड, तीसरा ग्राफ प्लॉट होगा यहाँ पे, और वो कैसे होगा ध्यान से समझना क्योंकि अपन ने ऐसी चीज देख रखी है। आर को अपन ले रहे हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे और टी को अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो आर को तो अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे कि आर क्या है यहाँ पे वाई, क्योंकि अपन कौन से एक्सिस पे ले रहे हैं वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। टी को अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे एक्स, क्योंकि टी अपन किस पे ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। अब जो बच गया वो वाला पार्ट क्या हो गया माइनस है जो अपन ने देखा था, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच्चे उसको अपन ने क्या बोल दिया टी। तो अपन ने ऐसा ग्राफ देखा था कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, जब अपन ने ऐसे ग्राफ देखे तो मैंने बोला था कि y की जगह कुछ भी हो सकते हैं, x की जगह कुछ भी हो सकते हैं, जो x के साथ बच गया उसको अपन क्या बोलते हैं स्लोप, और इसके अलावा जो बच गया उसको अपन क्या बोल देते हैं अंतःखंड। याद आ रहा होगा तो देखना, क्योंकि मैंने तीनों ग्राफ बताए थे कि y की जगह अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे आर, क्योंकि अब तो अपने मान चेंज हो गए ना सारी चीजें, तो y की जगह क्या ले लिया अपन ने आर, टी की x की जगह क्या ले लिया अपन ने t, m की जगह क्या आ गया माइनस के, और c की जगह क्या आ गया r जीरो। तो कौन सा ग्राफ प्लॉट हो रहा है यहाँ पे, थर्ड वाला ग्राफ प्लॉट हो रहा है जो अपन ने देखा था। सिंपल सी बात है, कोरिलेट करो, जो अपन ने समीकरण ली r किसकी जगह आ गया y की जगह, t किसकी जगह आ गया x की जगह, जो बच गया वो मान के आ गया माइनस है, और r जीरो आ गया c की जगह। तो अपन ग्राफ प्लॉट करें तो थर्ड वाला, और थर्ड वाला ग्राफ प्लॉट किया था तो अपन ने ऐसा वाला ग्राफ भी देखा था। थर्ड वाले ग्राफ की बात करें तो अपन ने ऐसा ग्राफ देखा था। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ये क्या हो गया स्लोप, और स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होता है यहाँ पे सबको दिख रहा है, जो x के साथ बचता है वो स्लोप होता है, तो यहाँ पे t के साथ जो बचेगा वो क्या हो जाएगा स्लोप, तो क्या बचा अपना तो मान क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के। वहां पे मैं स्लोप बोल रहा था माइनस एम को, लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के, क्योंकि इक्वेशन क्या हो गई चेंज हो गई। मैं बात करूं यहाँ पे अंतःखंड, तो अंतःखंड क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट की बात करें अपन यहाँ पे, इंटरसेप्ट आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो सी होता है वो क्या होता है इंटरसेप्ट, यहाँ पे क्या हो गया आर जीरो। मतलब अपन ये बोलते हैं कि टी जीरो कर दूं तो भी आर का मान जीरो नहीं होता, ये वाला मान किसके बराबर होता है आर जीरो के बराबर होता है, ये अपना किसके बराबर हो गया इंटरसेप्ट के बराबर हो गया। तो यहाँ तक का पार्ट आपके समझ में आया या नहीं आया चेक बॉक्स में मैसेज करो जल्दी से, क्योंकि इसके बाद में अपन देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और प्रथम कोटि की बात भी करेंगे, अर्धायुगल कैसे निकालते हैं वो चीज समझ में आनी चाहिए। मैं यहाँ तक का पार्ट आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो एक बार देख लेना, फिर भी किसी को दिक्कत आए तो एक बार पूछ लेना मुझे, ठीक है। कल संडे को क्लास नहीं रहेगी, मंडे को रहेगी क्लास। थैंक यू सो मच।